राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने बड़ा अजीब तर्क दिया। जहां उनकी सरकार है उनके साथ निर्दलीय सब उन्हीं के साथ हैं, पार्टी के इतने लोग भी उनके साथ हैं, तो फिर क्या कारण हुआ कि कैंप करना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना उचित नहीं लगता है? कोई इनको अंदर ही बिखराव दिखता है, उस अंदर के बिखराव को रोकने के लिए अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं जो किसी सचिव। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ जहाँ सरकार चला रहे है ना, गुजरात में सरकार आपकी नहीं हो सकता है आपके मन में कोई पीड़ा हो, पर यहाँ तो आप स्वयं सरकार चला रहे हो, प्रशासन सारा आपके हाथ में है, फिर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अगर आरोप लगाते हो तो प्रमाणित करो,